और अभी मेरा ब्लॉग मतलब अपलोड हो चुका है, तो अब कर दूंगा ब्लॉगिंग के साथ। और अभी हमने नाश्ता वास्ता कर लिया है, बस अपनी बार बार नहीं जाएंगे। और मैंने कहा था कल के ब्लॉग में कि मैं श्रीनगर जाऊंगी मैं 1 बजे के टाइम पे दिन में। तो अभी जाते हैं, निवार वगैरह बांधने, निवार मतलब घास बांधने जा रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा काम निपटाने तक ही जाते हैं। और उधर देखो संतरे लगा के कितने सारे पक गए हैं ना, इन साल के लेके आने पड़ेंगे चटनी के लिए। और ये नीचे देखो हमारे, मैं बट बट बोल रही थी ना, जो ये है सोयाबीन, देखो ये कुछ सोयाबीन सुखाने के लिए डाल रखे हैं चटनी अभी। और ये भी भट्टी है क्या, ये पता नहीं कौन सी गैस है, ये गैस है। ये भी जब कूट देंगे ना, उसके बाद जो निकलेगा ना, मैं आपको दिखा दूंगी। ये तो सोयाबीन का मैंने दिखा दिया आपको। और ताई जी का शोर चल रहा था, ताई जी तो इग्नोर कर नहीं, बोली ना सोनी चबेगा बोली। हाय, हेलो हेलो, तो बोलो हाय कनर। ठीक है, तो अब क्या बोल रही थी ना मैं, क्या हाँ, आज लिपाई पुताई चल रही घरों में, अब दिवाली की तैयारी हो रही है। मैंने तो कल ही सफाई कर ली है, क्योंकि मैंने आज जाना था ना, और अपने ऊपर के कमरे की रखी थी, तो शाम को मैंने मम्मी के कमरे की कर दी थी, और आज मैंने अपने कमरे की कर दी है। तो अभी हम जा रहे हैं फटाफट छः काम निपटा के, उसके बाद चलते हैं। देखो दादी का भी काम चल रहा है, किसका दिवाली की सफाई हो रही है उनकी सबकी। नाश्ता हो गया, नाश्ता नहीं हुआ अभी, अभी चलते हैं नीचे। आज मैं चप्पल ले आऊँ, रुक। पौधा वगैरह मतलब सुखाने के लिए रखा हुआ, ये जो बच्चा हुआ था ना वही है। अरे खड़ खुड़ पता नहीं, दादी ने सब मिक्स कर रखा है, मुझे नहीं पता क्या है। दादी करती है मतलब ये घर का ये सारा काम घुमा रही नीचे निवार का काम कर दिया। बाकी नाश्ता हमारा हो गया, बर्तन वर्तन धो दिया हमने, और इधर गोबर सूख रहे हैं बस। अब चलते हैं थोड़ी देर में, पापा भी आ रहे हैं क्या? पापा भी आ रहे अभी नहीं, पापा आना, चलो चलते हैं हम फिर। खेत में आज हम सारे माँ बाप जा रहे हैं, सारे माँ बाप बोलते हैं पूरी फैमिली जा रही है, दादी को छोड़ के और मुझे छोड़ के। मैं भी नहीं आ रहा, ऐसे कैसे नहीं आएगा, पिटेगा नहीं, कौन मारेगा मेरे को? कहाँ दस रुपए दूसरे संतरे लेके जाने, दस रुपए कहाँ है पता नहीं। दादी वी आर इन सलामती, अच्छा मिल गई, हाँ मिल गई, कुछ सामान मिला ना, मिल गई दादी, मिल गई, मिल गई। ये देखो दादी भी जा रही है, दादी भी घास के लिए जा रही है। कहाँ जा रहे हो? न्यूवार बनाने को। अच्छा अकेले अकेले? हाँ तो क्या तू है? दादाजी को लेके जाओ, दादाजी दादा जावर, दादा टांग ठीक होना ना, तो दादा तो बुन भी नहीं चाहिए छोड़ दादा, दादा पहले बांध लो दादी। वो देखो मेरी रजाई भी पर सूख रही है, कैसे लटक रखी है, मैं बाहर निकाली मैंने और दोबारा अंदर रखने भूल गई मतलब। चलो चाची पुंगड़ा, ते स्वेटर मास्क लगनी यार, मैं नजर तेरे स्वेटर पर जी आज भी जब निकलो में तेरा स्वेटर मस्त लगनी चाहिए। उकाल इन देंस की ऊपर को उकाल बोलते हैं, ट्रेंडिंग वाली गड़ वाली बोलने लगी डॉक्टर। आ चुके हम खेत में, और मम्मी देखो निवार बांधने लग गई है, मतलब ये जो घास है ना सुखाने के लिए डाल रखी थी पहले, तो अब मम्मी इसको बांधेगी और हम घर लेके जाएंगे अभी। चल हो जा छोड़ो, फूल बना तो ना चने चने निवार फल तोड़ों में
इसका मतलब है कि मुझे और कुछ तो आता नहीं खेतिया का, लेकिन इसको पलटा रही हूँ मैं, क्योंकि परसों बारिश हुई थी ना, उस चक्कर में ये क्या हुआ गिले हो गए थे। तो अभी जब तक मम्मी लोग इसे बांधती है तब तक इसको पलटा देते हैं, ताकि जो नीचे ठंडे हो रहे थे ना गिले हो जाए, गर्म हो जाए, कटड़ बन जाए बिल्कुल, और घास खराब ना हो। जब कुछ घास नहीं होती तब इसको दिया जाता है। अभी मम्मी और कल परसों बढ़ा रहे थे ना, परसों मैंने ना ऐसे कुछ लगाया था, जिस जो गढ़वाल है उनको तो समझ आ गया होगा, जो गढ़वाल से नहीं है उत्तराखंड से नहीं है उनको नहीं पता होगा, जो मम्मी ऐसे लगा रही थी ना यही घास थी, वो ये तब दी जाती है जब अभी तो जंगल हरा भरा है, अभी चारों तरफ घास बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाद में फिर ऐसा होता है एक टाइम ऐसा जाता है जब घास नहीं होती जंगलों में। लेकिन आपको पता है ये गांव के लोग काफ़ी हार्ड वर्क होते हैं, उनको तो भैंस भूस वो पालने का शौक ही है, मतलब शौक लगा लो कि हाँ करना है तो करना है, तो उनको फिर ये वाली घास दी जाती है जिस टाइम पर कुछ घास नहीं होती। बाकी चारा वगैरह वो तो अलग दिया ही जाता है जो मार्केट मूड से आता है, लेकिन ये एक अलग रखा होता है। चारा नहीं देते हम, चारा नहीं देते, चारा नहीं देते, बिना बिना चारे के जिंदा है हमारे गाय भैंस, इनके गाय भैंस मार्केट वाला चारा देते हैं मार्केट में आते हैं। अरे तो बोलते हैं मांस वाला चारा ना अलग है, ये अलग ही देते हैं मैं का, ये तो बोलते हैं तो गाइस हम काफ़ी लेट हो गए थे खेत से, काफ़ी लेट हो गए थे हमें, एक बजे मुझे एक बजे वहाँ पहुँचना था बिल्कुल सामने, वो देखो स्कूल का गेट, वहाँ पहुँचना था मुझे, और 1:13 हो गया, मतलब 1:13 हो गया है, और मैं भी घर से अब निकल रही हूँ, और बहुत ज़्यादा अकबकी में जा रही हूँ, अकबकी मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे को आज था कि टाइम पे हुई नहीं, मैं तैयार हुई नहीं, और फिर फटाफट आई ऊपर, ऊपर से खेत से फिर खाना खुना बनाया, तो अब तो खैर अब थोड़ा ठीक है। तो अभी चलते हैं, कन्नू महाराज का बैग लेके जा रही हूँ, मुझे पर्स में ना बहुत आफत आती है, तो मैंने सोचा इस बार मैं ऐसा वाला बैग लेके जाऊँगी, तो अभी चलते हैं। और श्रीनगर मैं किस रीज़न से जा रही हूँ, मैं क्या काम है मेरा, अचानक क्या काम पड़ा, मतलब जो मैं इतनी हड़बड़ी में जा रही हूँ श्रीनगर, वो आपको श्रीनगर पहुँचने के बाद पता चल जाएगा। और अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ चाचू के साथ, चाचू आने वाले होंगे, और लिटरली बहुत ज़्यादा लेट हो गई मैं, चलो खतरनाक सीन हुआ मेरे साथ, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी भाग के आई ताकि मेरी गाड़ी छूट ना जाए, मतलब चाचू आने जाए जल्दी, और मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, मेरा घर देख सकते हो आप उधर है, यहाँ पे धुआं लग रहा ना, वहाँ से यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ मैं, और चाचू आए नहीं, आगे चाचू पहले, और मैंने फिर दाल अजीब अजीब तरीके से बनाई थी, फिर तो मुझे लगा कि खाएगी नहीं, इसलिए मैं खाना लेके नहीं आई कामने के लिए। हम यहाँ पे खाना खाने के लिए रुकने वाले थे, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, कामनी का फेवरेट है कामनी का। और मार्केट में जो सबसे मेरी मनपसंद की चीज़ हुई है वो पता क्या हुई है, आजकल सेल लग रुकी है, मैं तो अचानक मैं ऐसी आ रही हूँ मार्केट में, सेल लगी, मुझे बहुत अंदर से बहुत खुशी होती है मुझे जब मैं सेल देखती हूँ, तब देखते हैं कुछ पसंद कब मिलेगा, शाम को देखेंगे, अभी तो फिलहाल ऐसे घूमते हैं मार्केट में, तो खा लिया कामने की प्लेट में, खाली होते रहेगी ये, क्या खा रहे चाउमीन, चाउमीन चाउमीन, और अब हम खाएंगे चाट पापड़ी, पापड़ी चाट दही वाले गोल गप्पे, ये दही वाले गोल गप्पे खाएंगे, पापड़ी चाट खाना खा के आ चुके हैं हम, और अब फ़ोन चार्ज लगाते हैं डेली की तरह, फ़ोन पे चार्ज चूज नहीं है, थोड़े हम बातें बूते करते हैं अपनी आपस की, और उसके बाद मिलूंगी आपसे सीधा, फोन चार्ज होने के बाद अभी 20% है, मैं मिलूंगी आपसे सीधा 70% पे, मुझे यहाँ पे 6:30 हो चुके हैं, कब जा रहा हूँ 2 बजे से ना, इस सारा दिन मुझे घर से बुलाया था घूमने जाएंगे, और देखिए यहाँ पे बिठा दिया उसने मुझे, और लेके नहीं जा रही है मुझे, इसलिए मुझे अब मैं आप खुद ही जाऊँगी। अरे देखो मैंने मेहंदी लगाई आज पूरे दिन भर में, इधर तो गन मार दिया, पर इधर अच्छी लगी ना, क्या कर रहे हो? पतली बनी ज्यादा पतली से तो नहीं लग रही, ठीक है।
शीतल देख जींस मार्केट में आ चुके हैं सामान लेने और भीड़ देख सकते हो आप कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई आज बहुत ही ज्यादा दिखाना एक मिनट रुक जाना मुझे आके तो जा रहा था फोन को खोल लिया था तो यहाँ से दिखाते हैं गाइस मैं आपको एक मिनट हमारे पीछे दिख रही होगी ना भीड़ आज दिवाली की वजह से कितना सारा रश है ना यहाँ पे घूम रहे मार्केट में तो देखते हैं क्या क्या सामान लेना हमें ढूंढते हैं सामान अपना तो गाइस मिल चुके हैं मुंगोर से और जीजू साहब में फर्स्ट टाइम मिली बाकी इसको आप देखते रहते हो वाले ही से दिखते रहती है जीजू नहीं दिखते जीजू जाते हैं ये तो कहते हैं कि ना कैमरा देख रहा मत करना तो अभी हम खाते हैं मोमोज फिर मिलते हैं आपसे ले ले दिखाते दिखा 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 बाय बाय करो इधर देखो करो बाय बाय फिर मिलेंगे हम ठीक है कल ओके चलो मेरे साथ चल के नहीं चलना मम्मी और खा जाना बाय मरावत है मेरे बच्चों का चैनल है छोटे बच्चों को मतलब वो लर्निंग सपोर्ट कर लर्निंग नहीं लर्निंग का है छोटे बच्चों का लर्निंग का है मतलब नर्सरी एलकेजी यूकेजी पढ़ा रही है घर बैठे 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 बना दी प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट कमेंट है जरूरत नहीं लाइक सब्सक्राइब बहुत गाइस हम कपड़े ले रहे हैं यहाँ पे इनको पसंद नहीं आ रहा मैंने तो ले लिया अपना स्वेटर और रात को पहनूंगी ना मैं तो देखना मजा उस टाइम पे ठीक है ले रही हैं मूंगफली खाने का मन कर रहा तेरा तो गाइस कामनी ले रहे अपने मूंगफली और मैं तो खाती नहीं हूँ खैर तो अभी कामनी के फ्रेंड है सीधा ऊपर जा रखी है डॉक्टर के पास यहीं क्लिनिक में जॉब करती है ना तो वो भी घर हमारे साथ साथ में जाएंगे हम अभी हम फिलहाल मैम हो गया आपका टाइम हाँ हो गया बोल यार दिवाली की वो चल गई क्या बोलते हैं वो पटाखे पटाखे लड़ियां बे पटाखा लड़ियां पटाखा वाओ अच्छा लग रहा है दिवाली की दिवाली जल चुकी है और मैं यहां से आप सबको दिखा रही हूं सभी को आप सबको दिखा रही हूं यहां से आप यहां से देखो व्यू मस्त लग रहा है ना इधर को दिखाना इधर को चैनल अच्छा इतना ही है बस आंखों से ज्यादा दिख रहा है गाइस ने तो खा ले अपने पैसे दिखा खा लियो और बस मेरी रह गई है मैं तो आप लोगों के साथ ही खाती हूँ आपको पता है ना तो आज किसी का बर्थडे हैप्पी बर्थडे विश कर दो जिसके बर्थडे की वजह से ये केक लेके आई है हैप्पी बर्थडे थैंक यू हार केक खाने का मन कर रहा था हम ले आए पेस्ट्री ले आए केक तो ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए हम पेस्ट्री ले आए तो अब देखते हैं बाद में क्या करना है हम लेटे हुए हैं और ये भी मूंगफली खा रही है अब पता नहीं हम खाना बनाएंगे नहीं बनाएंगे क्योंकि हम बाहर से खा के आए थे वैसे पर ऐसा प्लान है कि अगर भूख लगेगी तो दूध भी है दूध गर्म करना और पुलाव बना लेंगे हम क्योंकि सब्जी बनाने का मन नहीं है सब्जी खाने का मन भी नहीं है ना तो चटपटा सा पुलाव बनाएंगे तो आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे समाप्त आई होप आपने व्लॉग इंजॉय किया होगा और आपको मज़ा आया होगा फिर से मिलेंगे हम कल के व्लॉग में और कल का व्लॉग तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है फिर फटाफट मतलब आप खुद ही गेस कर लोगे क्यों इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आज का व्लॉग करती हूँ यहीं पे समाप्त